लेक्चर नंबर 5 एफएससी पार्ट 2 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 टुडे आवर टॉपिक इज ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले देख लेते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। वैसे तो हमने फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस किया है। रिमाइंड कर लेते हैं एक दफ़ा कि ऑस्मोरेगुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच एनिमल्स मेंटेन देयर इंटरनल सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, एनिमल्स जो हैं वो अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट प्लस वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोरेगुलेशन का नाम देते हैं कि बॉडी के इनसाइड इंटरनल इन्वायरमेंट में सॉल्ट और वाटर का बैलेंस्ड रखना इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन जो है वो किस तरह से अकर होती है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इन प्लांट्स के, प्लांट्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन किस तरह से होगी। जैसे प्लांट्स का जो हैबिटेट था वो डिफरेंट होता था हमारे पास, ठीक है। मैं डिस्कस किया था कि प्लांट्स जो है उनका जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता है। कुछ एक्वेटिक होते हैं जिन्हें हम कुछ ड्राई कंडीशन में होते हैं, तो इस लिहाज से हमने प्लांट्स को क्या किया था, उसकी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। इसी तरह कुछ एनिमल्स का भी है हमारे पास। एज वी नो डैट कि एनिमल्स जो है उनका भी इन्वायरमेंट क्या है, वेरी करता है, चेंज होता है। हर तरह का जो एनिमल है वो एक तरह की इन्वायरमेंट में थोड़ी रहेगा, उसका इन्वायरमेंट क्या होता है, चेंज होता है। तो उस लिहाज से हम देखेंगे कि जो ऑस्मोरेगुलेशन है, सॉल्ट्स और वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो एनिमल्स की बॉडी के अंदर किस तरह से रेगुलेट रहती है, बैलेंस्ड रहती है। तो टू टाइप्स है हमारे पास एनिमल्स की। नंबर वन इज ऑस्मो कॉन्फर्मर्स। अब ऑस्मो कॉन्फर्मर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी का फ्लूइड जो है आइसोटोनिक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। अब आइसोटोनिक को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि आइसोटोनिक का मतलब ये है कि बॉडी का जो इनसाइड इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बराबर होगा, इक्वल होगा। यानी सल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी क्या होगी, सेम होगी, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट होगा। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में हमने एक और चीज देखी थी कि जब हमारे पास आइसोटोनिक इन्वायरमेंट होता है तो जो सल्यूट या वाटर है वो मूव नहीं करता, मोशन जो है, मूवमेंट जो है सल्यूट की या सॉल्वेंट की वो जीरो हो जाती है। तो एनिमल्स जिनकी बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक हो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, उनके अंदर जो है वो बैलेंस्ड मैकेनिज्म पहले से ही मौजूद है, बैलेंस्ड होगी उनकी इनसाइड जो कंडीशन है। तो इनको एक्टिव मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होगी स्टेबलाइज करने के लिए, खुद को बैलेंस्ड करने के लिए, क्योंकि आइसोटोनिक है, मूवमेंट तो हो नहीं रही। तो बॉडी के अंदर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, वाटर की कंसंट्रेशन है, वो बैलेंस्ड होगी। तो इनको कोई भी एक्टिव जो है मैकेनिज्म अडॉप्ट नहीं करना पड़ता फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जिनको एक्टिव मैकेनिज्म अडॉप्ट नहीं करना पड़ता, उनका जो बॉडी फ्लूइड है इनसाइड वो आइसोटोनिक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, दे आर ऑस्मो कॉन्फर्मर्स, उन्हें हम ऑस्मो कॉन्फर्मर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोरेगुलेटर्स। अब ये कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं कि जिनका जो इंटरनल कंडीशन या इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आइसोटोनिक नहीं होता, ठीक है, चेंजिंग होती है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उनके इनसाइड इन्वायरमेंट में। तो ऐसे एनिमल्स को एक्टिवली खुद को अपनी बॉडी के इनसाइड के इन्वायरमेंट को ऑस्मोरेगुलेट करना पड़ता है, सॉल्ट और वाटर को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है एक्टिवली। तो ऐसे एनिमल्स को हम ऑस्मोरेगुलेटर्स का नाम देते हैं। द एनिमल्स हुज बॉडी फ्लूइड इज नॉट आइसोटोनिक, आइसोटोनिक नहीं है, इट्स मीन मूवमेंट होगी तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ मूवमेंट होगी, यानी कि आइसोटोनिक नहीं है तो या तो हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है, कुछ इस तरह की कंडीशन जो है वो बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान बनेगी जिसकी वजह से जो मूवमेंट है सॉल्ट की या वाटर की वो होगी, और जो बॉडी के अंदर बैलेंस्ड है सॉल्ट और वाटर का एक्टिवली उसको मेंटेन रखने की जरूरत है। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेटर्स कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोरेगुलेशन डिफरेंट इन्वायरमेंट के लिहाज से, ठीक है। मैरीन जो हमारे पास एनिमल है, मैरीन फिशेज हैं, वो किस तरह से खुद के अंदर जो है सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखती हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। एनिमल्स में हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम देखेंगे मैरीन लाइफ के अंदर हेडिंग जो है हमारी ये बनेगी ऑस्मोरेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट एनिमल्स की
अंदर डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर हम देखेंगे ऑस्मोरेगुलेशन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर, मैरीन इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि मैरीन इन्वायरमेंट क्या है। फिश की हम देखेंगे कि फिश जो है वो किस तरह से अपने बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखती है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मैरीन वाटर है। अब मैरीन क्या होता है, सी वगैरह का पानी जिसके अंदर जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा साल्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। अब इस इन्वायरमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक फिश प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे कि इस फिश के अंदर जो कि एक मैरीन वाटर के अंदर प्रेजेंट है उसके अंदर जो सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन है उसको वो किस तरह से मेंटेन रखेगी। तो हमने अभी कहा कि जो हमारे पास मैरीन वाटर है वो सी वगैरह का पानी होता है, समुंदर वगैरह का पानी होता है। तो साल्टी होता है, मिनरल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसका मतलब है कि सल्यूट क्या होगा, ज्यादा होगा। और हमने अगर सल्यूट ज्यादा है तो ये कौन सा सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसके अंदर ये फिश प्रेजेंट है। और फिश के जो इनसाइड का सॉल्यूशन है, जो उसके इनसाइड एनवायरनमेंट है, वो क्या होगा, हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में क्या डिफरेंस है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सल्यूट ज्यादा हो और सॉल्वेंट, सल्यूट को हम इससे पहले देख लेते हैं, ठीक है, सल्यूट ज्यादा हो। इस तरह हाइपोटोनिक जो है वो ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सल्यूट क्या हो, कम हो, सल्यूट कम। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी जब हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक को डिटेल में देखा तो हमने कहा था कि जो हमारे पास मूवमेंट है वाटर की वो किस तरह से होती है, कि सल्यूट जो कम है वहां से वाटर मूव करता है ज्यादा सल्यूट की तरफ। तो इट्स मीन कि इसके अंदर, इस एनवायरनमेंट के अंदर जो फिश है उसके अंदर जो वाटर है वो इन साइड से आउटसाइड मूव करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि बाहर क्या है, सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, साल्ट जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है।